रीवा नगर निगम में महापौर और पार्षदों के चुनाव की वोटिंग की तिथि नजदीक आते ही नेताओं को अब मोहल्लों की दुर्दशा नजर आने लगी है। अपनी अकड़ में अकड़े पार्षद जो अपना कारोबार चला रहे थे वो इन दिनों जहां अपने आकाओं से फोन कराकर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं रातों रात गड्ढों में डस्ट भी बिछवाई जा रही है। दरअसल मामला वार्ड क्रमांक 11 और 12 का है, जहाँ विगत 5 वर्षों से वार्डवासी कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क में चलने के लिए मजबूर थे। घरों के सामने निकलते नहीं बन रहा था। नेता जब अपनी पत्नियों के लिए वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने करारा जवाब देते हुए वार्ड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो उल्टे पांव भागे और अब रातों रात लोगों के घरों के सामने डस्ट डलवा कर गड्ढों को पाट कर अपने खाली होते जनमत की भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा खोदे गए गड्ढे भरने के लिए वार्डवासियों ने कई बार अपने वार्ड पार्षदों से शिकायत भी की, लेकिन कंपनी से मोटी रकम लेकर पार्षद चुप्पी साधे रहे। वहीं अब जब जनता के हिसाब लेने की बारी आई और झूठे वादे करने वालों को करारा जवाब देने का विचार बनाया गया, तो अब चरण वंदन के साथ साथ वार्ड के विकास और घुटने भर बने गड्ढे इन नेताओं को दिखने लगे हैं। वहीं इस तरह से घृणित कार्य की जहां एक तरफ वार्डवासी निंदा कर रहे हैं, तो वहीं चुटकी भी लेते हैं कि चलो कम से कम वोटिंग के दौरान ही सही हमारी याद तो आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के मतदाताओं को भी ये मतलबी नेता धोखा देकर वोट समेट पाते हैं, या फिर जनता करारा जवाब देकर अपनी अहमियत का एहसास कराती है, या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।